हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट बिल्डर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि अब से 4.5 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, यहां पर कुछ चेंजेज हैं मैच में, तो आप इस वीडियो को फ्रेंड प्लीज़ स्किप मत कीजिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या चेंजेज है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लैंड की टीम में यहाँ पर आपको बेन स्टॉक नहीं मिलेंगे, तो इंजर्ड है और वो अभी टीम से बाहर हैं इस मैच में। तो फ्रेंड यहाँ पर बेन स्टॉक बाहर है एंड डेविड मलान को टीम से हटा दिया गया है उनके खराब फॉर्म के कारण। तो उनकी जगह यहाँ पे ओली पॉप आए। फ्रेंड ओली पॉप का मैं आपको एवरेज बता दूँ, 60 का एवरेज है इनका डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इसलिए यहाँ पे ओली पॉप को तवज्जो दी गई है, जो कि यहाँ पर सरे टीम से खेलते हैं और यहाँ पर इस बार इंग्लैंड टीम से डेब्यू करेंगे इस मैच में। तो फ्रेंड यहाँ पर एलिस्टर कुक, जेनिंग्स, रूट, ये टॉप थ्री हैं इंग्लैंड के। एंड उसके बाद आएंगे यहाँ पर ओली पॉप मलान की जगह पर। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जॉनी बेरेस्टो आएंगे विकेट कीपर इनके। एंड फ्रेंड यहाँ पे मोइन अली एंड क्रिस बॉक्स में से एक कोई खेल सकता है, बट यहाँ पे मोइन अली के चांस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है लॉर्ड्स के मैदान में। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर मोइन अली को यहाँ पर ज़्यादा मौका दे दे, क्रिस बॉक्स को हटा सकते हैं और कुछ यहाँ पर हेल्प मिल सकती है स्पिनर्स को। तो फ्रेंड यहाँ पे जॉस पटर आएंगे उसके बाद। फिर उसके बाद आएंगे आदिल रशीद, जिन्होंने पिछले मैच में स्पिन डिपार्टमेंट से मारा था इंग्लैंड के लिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आएंगे सैम करन, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड की तरफ से, इंडिया की तरफ से मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे ओपनिंग में काफ़ी दिक्कत रहेगी। शिखर धवन या केएल राहुल में से कोई एक खेलने वाले, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे शिखर धवन खेलेंगे क्योंकि केएल राहुल का चांस यहाँ पर बहुत कम बनता है इस मैच में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आएंगे मुरली विजय, जो उनका साथ देंगे। उसके बाद वन डाउन आएंगे यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा, जिनको पहले मैच में यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आएंगे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, आर अश्विन एंड यहाँ पर पांड्या और उमेश यादव की जगह कंफर्म नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा को भी यहाँ पर कोहली मौका दे सकते हैं, शायद दो स्पिनर के साथ यहाँ पर उतरा जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मुझे लगता है कि पांड्या का ज़्यादा चांस रहेगा प्रोबेबल में, एंड यहाँ पर मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा एंड उमेश यादव। तो हो सकता है फ्रेंड यहाँ पर उमेश यादव एंड हार्दिक पांड्या रिस्की हो सकते हैं इस मैच में। मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा तो फ्रेंड श्योर ही है कि ये दोनों खेलेंगे, बट यहाँ पर हार्दिक पांड्या एंड उमेश यादव का थोड़ा डाउट है इस मैच में। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है, मैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ टीम प्रीव्यू उसका। तो फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं, पहले विकेट कीपर की बात करेंगे। तो विकेट कीपर में फ्रेंड हम यहाँ पे जॉनी बेरेस्टो को लेंगे, क्योंकि जॉनी बेरेस्टो फ्रेंड बहुत ही अच्छे यहाँ पर अभी फॉर्म में है। दिनेश कार्तिक थोड़ा फॉर्म में नहीं है फ्रेंड, पहले मैच में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। जॉनी बेरेस्टो ने पहले मैच में बहुत अच्छी यहाँ पर इनिंग खेली थी, तो मैं यहाँ पर जॉनी बेरेस्टो के साथ जाऊँगा। तो आप चाहो तो फ्रेंड यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम में यहाँ पर दिनेश कार्तिक के साथ जा सकते हैं आराम से। ऋषभ पंत का चांस बिल्कुल ही जीरो है फ्रेंड, आप इसको 1% चांस से बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा ऋषभ पंत को। एंड बात करते हैं फ्रेंड यहाँ से विराट कोहली की, तो मैं यहाँ पे विराट कोहली को लूँगा अपनी टीम में, जे रूट को लूँगा। आप चाहो तो फ्रेंड यहाँ पे मुरली कार्तिक को ले सकते हैं, बट मुरली कार्तिक के लिए मेरे पास पॉइंट एडजस्ट नहीं है, तो इसलिए मुरली कार्तिक को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फ्रेंड एलिस्टर कुक को, जिनका की रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पर मैं एलिस्टर कुक को अपनी टीम में रखूँगा फ्रेंड। फिर मैं रखूँगा यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को, ये थोड़ा रिस्की रहेंगे फ्रेंड अजिंक्य रहाणे मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका रन बनाने का चांस बहुत कम होता है, और अगर ये टिक जाए तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर रन भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे के साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप चाहो तो यहाँ पर पुजारा को भी ले सकते हैं, पुजारा भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको इस मैच में। तो फ्रेंड आप यहाँ पर पुजारा को भी टीम में रख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर पुजारा के साथ ही चले जाता हूँ, क्योंकि अजिंक्य पुजारा का वैसे चांस फ्रेंड यहाँ पर 50-50 है, वैसे मेरे ख्याल से 50 तो नहीं बोल सकता मैं, 80% चांस तो होगा पुजारा का यहाँ पर खेलने का। तो हम अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करके हम पुजारा पर रिस्क ले लेते हैं इस मैच में। उसके बाद फ्रेंड मैं जाऊँगा यहाँ पे लोकेश राहुल के साथ। लोकेश राहुल के साथ नहीं जाऊँगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर लोकेश राहुल का इस मैच में खेलना कन्फर्म नहीं है। एंड यहाँ पर शिखर धवन का भी थोड़ा डाउट है फ्रेंड, बट मैं शिखर धवन के साथ इस मैच में जाना पसंद करूँगा। बटलर इस मैच में खेलेंगे फ्रेंड, आप चाहो तो ग्रैंड लीग में एक टीम में बटलर को रख सकते हो। मलान इस मैच में नहीं है, तो मलान को नहीं लेना, बाकी करुण नायर को नहीं लेना। एंड यहाँ पर आप ओली पॉप को ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, एंड यहाँ पर कीटन जेनिंग्स को भी आप ग्रैंड लीग में रख सकते हो एज ए कैप्टन। तो फ्रेंड आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैं बेन स्टॉक को बिल्कुल नहीं लेना फ्रेंड, बेन स्टॉक यहाँ पे टीम में नहीं है, स्क्वाड में नहीं है, इंजर्ड है इसलिए ये बाहर है। तो आप यहाँ पे मैं अश्विन के साथ गया हूँ, फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्रिस बॉक्स के साथ आप जा सकते हो फ्रेंड, बट क्रिस बॉक्स का चांस थोड़ा कम रहेगा खेलने का। रविंद्र जडेजा के साथ आप जा सकते हो, इनका चांस फ्रेंड यहाँ पे 60% रहेगा खेलने का। हार्दिक पांड्या के साथ आप जा सकते हो फ्रेंड, इसका चांस भी 40% टाइप का रहेगा। तो हार्दिक पांड्या भी फ्रेंड रिस्की है, मोइन अली का चांस भी 50-50 है इस मैच में, तो आप मोइन अली को भी ट्राई कर सकते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे बुमराह को बिल्कुल मत देना, बुमराह इस मैच में नहीं है। एंड यहाँ पे जेम्स एंडरसन की बात करता हूँ तो मैं उनके साथ जाऊँगा, खेलने के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ईशांत शर्मा के साथ जाऊँगा, उमेश यादव को रिस्क नहीं लूँगा फ्रेंड। स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ मैं यहाँ पर जाऊँगा इस मैच में खेलने के लिए। एंड यहाँ पर आप चाहो तो आदिल रशीद के साथ जा सकते हो, आप ब्रॉड को ड्रॉप करा के आप यहाँ पर आदिल रशीद को अपनी टीम में ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर ब्रॉड के साथ जाना पसंद करूँगा। एंड आप यहाँ पर सामी को ले सकते हो फ्रेंड अपनी टीम में, बट सामी का भी फ्रेंड रिस्क हो सकता है इस मैच में। कुलदीप यादव को रख सकते हो फ्रेंड, बट मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव इस मैच में खेलेगा, और खेल भी सकता है फ्रेंड, कोहली का कोई भरोसा नहीं किया तो कुलदीप यादव पर भरोसा दिखा के उनको टीम में खिला दे। एंड शार्दुल ठाकुर का तो कोई यहाँ पर चांसेस ही नहीं है। एंड जेमी पॉटर एंड यहाँ पर सैम कुरन यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड आपके लिए, क्योंकि पिछले मैच में बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी और बॉलिंग भी की थी। तो फ्रेंड ये टीम रहेगी मेरी टीम प्रीव्यू। आपको मैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पर कुक मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रूट मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर कोहली मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर अगर ग्रैंड लीग में चाहिए तो आप ग्रैंड लीग में आप पुजारा को ट्राई कर सकते हैं, पाँचवा ऑप्शन आपको यहाँ पर बैरिस्टो भी अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड, एंड शिखर धवन भी काफ़ी अच्छे रन करते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ग्रैंड लीग में बनाना तो आप यहाँ पर कोहली को कैप्टन कर सकते हो, एंड यहाँ पर एंडरसन को, कुर्रन को, बाकी आप इन सबको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड ये टीम रहेगी मेरी, आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को भी ले सकते हैं फ्रेंड। बैट्समैन में आप यहाँ पर किसी को भी आप यहाँ पर वाइस कैप्टन या कैप्टन कर सकते हैं, इनमें से ही आप कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन आप करना, ये मैं आपको यहाँ पर राय देता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कोहली रहेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर कुक, रूट, एंड फिर यहाँ पर पुजारा, बैरिस्टो, धवन। तो इस हिसाब से आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कैप्टन वाइज कैप्टन दूंगा तो ज़्यादा सब्सक्राइबर है फ्रेंड, टीम सेम हो सकती है, तो आप में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड अगर आप यहाँ पर लॉस में हैं ड्रीम लोन में तो आप मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9165959889, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एंड मेरा फ्री ग्रुप भी है यहाँ पर व्हाट्सअप का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप मेरे फ्री ग्रुप में एंटर हो सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको भी बार बार मिलती रहेगी यहाँ पर। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।